मंदसौर के गांधी चौराहा क्षेत्र से मुस्लिम समाज ने हजारों की तादाद में जश्न ईद मिलादुन्नबी के अवसर पर निकाला भव्य जुलूस। मंदसौर जिले में आज अलग अलग जगह से जश्न ईद मिलादुन्नबी के अवसर पर भव्य जुलूस मुस्लिम समाज द्वारा निकाला गया। मंदसौर में भी कई जगह से आज मुस्लिम समाज का जुलूस एकत्रित हुआ और नयापुरा रोड पर सम्मिलित हुआ। इसके बाद हजारों की तादाद में मुस्लिम समाज के युवा युवती महिलाएं एवं बुजुर्ग लोग शामिल हुए और भव्य जुलूस निकाला गया, जिसमें नयापुरा से यह जुलूस निकाला जो कि महाराणा प्रताप चौराहा, बीपीएल चौराहा, गांधी चौराहा, युवराज क्लब के सामने भारत माता चौराहा होते हुए ईदगाह दरगाह पहुंचा, जहां पर समापन हुआ। जगह जगह पर जुलूस का भव्य स्वागत किया, जिसमें मुस्लिम समाज के कई लोगों ने जुलूस में कई तरह के खाने के आइटम वितरण किए, जिसमें कांग्रेस के जिलाध्यक्ष नवकृष्ण पाटिल, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष मोहम्मद हनीफ शेख, गांधी चौराहा पर जुलूस का भव्य स्वागत इनके द्वारा किया गया। मीडिया से चर्चा करते हुए रविवार को मंदसौर शहर के काजी आसिफुल्ला खान द्वारा बताया कि आज बड़े जोश और उत्साह के साथ जश्न ईद मिलादुन्नबी के अवसर पर जुलूस निकाला गया है, जिसमें देश में खुशहाली एवं सुख शांति बनी रहे यह दुआ की गई है, जिसमें युवा युवती महिलाएं जुलूस में बड़ी संख्या में शामिल है। मंदसौर पुलिस अधीक्षक अनुराग सुजानिया के निर्देश के बाद कोतवाली थाना प्रभारी अमित सोनी, वाईडी नगर थाना प्रभारी जितेंद्र पाठक, नयाबादी थाना प्रभारी जितेंद्र सिसोदिया, सीएसपी सतनाम सिंह एवं पुलिस जवान अधिकारी बड़ी संख्या में जुलूस में मौजूद थे एवं ड्रोन कैमरे के माध्यम से भी पुलिस द्वारा सामाजिक तत्व के लोगों पर नजर रखी जा रही थी। नाचते झूमते हुए यह जुलूस निकाला गया है एवं कई स्थानों पर घोड़ों द्वारा भी अपने कर्तव्य दिखाए गए हैं। आज 12 रबीउल अव्वल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आज पैदाइश का दिन है। आज हम उनकी विलादत बाशहादत मना रहे हैं बड़े हर्षोल्लास के साथ, बड़ी खुशियों के साथ। बच्चे, औरतें और तमाम ही हजरात इसमें शिरकत कर रहे हैं अच्छी तरीके से और मोहब्बत का पैगाम देते हुए जा रहे हैं और यही मैसेज देते जा रहे हैं कि जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहब्बत का पैगाम दिया, उस पैगाम को लेते हुए अपनी ज़िंदगी को गुजारें, एक दूसरे के साथ गले मिलकर ईद की मुबारकबाद पेश करें और देश और दुनिया में अमन शांति रहे, तरक्की करे, हमारा देश अमन और शांति का गहवारा बने, ऐसी कोशिशें करना चाहिए और मोहब्बत के पैगाम पेश करना चाहिए और बुरी चीज़ और नशे की चीज़ों से बचना चाहिए।